मोटा यार डाका तो सिर्फ डाका कर देगा यार का ये का ना लेकिन भाई रिस्क है कि माइन भाई पहली बताइयो जिन जिन तरबो आवे ना बेई डागियो बाकी कोई मड डागियो तो ये ना रिस्क है जेली माइन गोबर सेट को गोबर लगा पर डाग खतरनाक तरीका है ना सेट है की पूरा ऑन 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 सेट ऑन ओए ओए तू टेंडर नहीं आता तू टेंडर नहीं आता उसको तेड़ना थोड़ी आता किससे पूछ के धक्का दिया तूने पता नहीं था यार और तो उसको तेड़ना थोड़ी आता है मेरे को ध्यान ही नहीं था भाई जिन तरबो नहीं आवे ना तरबो को एक काम कर सोनू भाई उधर ले जा तो पानी वानी पिला अब ठीक है तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि ऐसी खतरनाक चढ़ाई है गाइस यार इस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं और उस साइड में चलते हैं और कोई एक अच्छी सी जगह देखते हैं और वहां पे फिर जो है थोड़ा खाने पीने के लिए कुछ करते हैं बाकी आजा मोटे आजा ये बहुत खड़ी चढ़ाई है हाइट है यार खड़ी एकदम आजा आजा ये ऊपर जितना ऊपर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे ऊपर से कहीं चारों तरफ देख सकते हैं कोई जानवर तो नहीं है या फिर ऐसा कुछ आजा आजा मोटा आजा हाँ आ जाओ इधर देखो गाइस अगर हम लाइट को बंद कर दे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा लाइट हटाना ये देखो ओए लाइट चालू रखो डर लग रहा है उसको दिख ही नहीं रहा चलो ऊपर चलते हैं पागल है यार तू कौन सा रास्ता लेके आ गया हां जमाने भैया का दिमाग खराब हो गया पता नहीं कहां पे लेके आ गया अरे वो तेरा डायलॉग तो मार एक बार अब वो डायलॉग नहीं है याद नहीं है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ नहीं आ रही है ऊपर देखो गाइस ऊपर देखो एक बार ही कहां है वो यहां पे आने के बाद कोई भी खाली हाथ पता नहीं पड़ रहा है चलो 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 ना रास्ता का पता ओए ओए अब थोड़ा जल्दी करो यार ना अब है ना अपने सेफ जगह देख आवाज आ रही है अलग-अलग तरीकों की ओए किधर आओ हां आगे का रास्ता खराब है चल चल अब थोड़ा सा ऊपर टॉप पे चढ़ते फिर देखेंगे गाइस यार रास्ता वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है ये देखो अब एक्चुअली हम खाली खुली जगह ढूंढ रहे थे इन जंगल में फंस गए ये देखो तो इधर कुछ भी नहीं है और वो बाकी लोग घूम गए यार जंगल है जंगल में कुछ भी हो सकता है अरे जंगल नहीं लेपर्ड की आवाज आ रही है नहीं लगी तो मुझे लेपर्ड की आवाज लग रही है जंगल है ना पानी भी है नीचे नहीं चलते ऊपर चलते ऊपर चलते हैं इधर चलते हैं हाइट है ना ज्यादा चलना तो पड़ेगा नीचे नहीं जा सकते ठीक है चलो इधर इधर से आओ पहले इधर से चलते हैं पहले उनको तो ढूंढो यार ये हर बार का यही होता है वो आगे भाग जाते हैं अपन फिर से बिछड़ जाते हैं हर बार ये गलती हो जाती है आवाज आई थी ऊपर चलते हैं चलो सीटी मारते रहो सीटी तक ना वो भी मारेंगे अपन भी मारेंगे पता पड़ जाएगा चलो चलो काटे आराम से आना आ जाओ आई 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 उधर से उधर से उधर से उधर से जमन सीटर मारता रहे रेगुलर सीटी मारता रहे जमन आजा 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 उधर उधर दिख गए वो दिख गए हमें दिख गए आजा आजा विक्रम आजा सीटी मारो सीटी मारो सीटी मारो चल 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 चलो 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 ओ भाई इन झाड़ियों का ध्यान रखना भाई नीचे देख इन झाड़ियों का इनमें है ना पैरों पैर रखने से पहले सोच लेना एक बारी सीटी मार आगे 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 चलो धीरे धीरे तेज तेज क्यों चल रहे बहुत ज्यादा डर लगता है यहाँ पे यार अकेले वो लेपड़ की आवाज और आ रही है यहाँ पे चले अपने नीचे नीचे चलते हैं नीचे ज्यादा खतरा है उल्टा नीचे खतरा तो है लेकिन नीचे खतरा नीचे जा रही रियल में आ रही है रियल में आ रही है एक तो बोल रहा हूँ
कोई बोलेगा नहीं, रुको शांति से सुनते हैं। रुको ये देखो, आई नहीं आवाज आ रही है। मानता मानता देख, इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, यहाँ से आजा 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 आजा, कैमरामैन जल्दी आ, इधर से निकलते हैं। सारा शांति छोड़ नहीं करेगा, बिल्कुल सब साथ रहेंगे और कोई भी है ना दूर नहीं भागेगा। तो ये वाला जो इलाका है इससे थोड़ा दूर चल चलते हैं, वहाँ पे रुकेंगे है ना, यहाँ से बस यहाँ पे नहीं रुकना है। आ जाओ और अजय चल, वो शोर मत करो, चुपचाप चुपचाप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, निकल 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 और निकल निकल। ये सही है ना यार, वो देखो उस पहाड़ से नीचे आए हम, उधर देखो पहाड़ ही पहाड़ है और मेन जो है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या करते हैं भाई लोगों, अभी जो है अपन क्या करते हैं, पहले चूल्हा बनाते हैं उसका, कुछ खाने के लिए बनाते हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे रुकना कैसे करना कैसे। कपड़े तो फाड़ ही दिए जोश जोश में, वह जल्दी जल्दी करो, पहले अपन वो चूल्हा चूल्हा सबसे पहले चूल्हा बनाओ। दो जने सूखी लकड़ियाँ जो कि आसपास गिरी हुई है वो इकट्ठी करो, ठीक है। चलो निकलो सामान सारे गाइस। यहाँ पे जो है हम भुट्टे सेक के खा रहे, थोड़े से रस्ते में से भुट्टे लिए थे तो भुट्टे भून रहे हैं, पत्तों में भुनेंगे, उसके बाद के अंदर जो है इसके ऊपर चावल वगैरह वो सब बनाएंगे। चावल बना चमन चावल आड़ों को सारो सामान कटिंग कर बेटी। गाइस यार सभी लोग थके हुए हैं क्योंकि सभी को भूख लगी है। अरे यार ये क्यों खा रहे हो तुम यार है? सब्जी तो बंद है इसकी। टमाटर कितने महंगे पता है? लाल है, पूरा लाल है। तो गाल लाल कर दूंगा, अबकी बार खाया तो। गाइस यार खाना पीना तो हमारा हो गया, जो देखो मैं इसलिए नहीं शूट करना चाह रहा क्योंकि हमने बहुत गंदा गाना बनाया, मतलब इन द सेंस अच्छे से कुछ भी नहीं बन पाया इस जंगल के अंदर। भुट्टे सेक रहे हैं, भुट्टों से काम चलाएंगे और यहाँ पे सोने का तो कुछ है नहीं, तो रात भर ऐसे ही बातें करेंगे एक दूसरे से और कैसे न कैसे करके सुबह निकालेंगे। और क्यों अभी 24 से भी ज्यादा समय हमें यहाँ पे रुकना है, जाने का कोई सेंस नहीं है। अरे मच्छू जी नहीं यार आदो यार, अरे यार हाँ यहाँ तो जरूर दिए नहीं यहाँ तो जीड़ो पड़े दिन। तो ये भुट्टे हैं, भुट्टे खा के काम चला रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो भैया जो है सुबह हो गई है, रात को जो हमसे बन पाया हल्का फुल्का वो हमने बनाया और खाया और रात भर जो है हम इधर उधर चल ही रहे हैं। हालांकि पहाड़ से तो हम नीचे उतर गए थे, नीचे की जगह पे चलते चलते अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। भाई रात को सोने की किसी की हिम्मत नहीं करी कि सो जाए क्योंकि सबने वो आवाज सुन ली थी ना और हल्की फुल्की झलक भी देख ली थी, तो उसके बाद में डर ही लग रहा था। ये देखो गाइस जंगल वो रहे वो पड़े हैं, वो देखो ये हमारे शेर जो है जंगल के लायक नहीं है, इनकी जो है गुड नाइट अभी हो गई है। उजाला होते ही इनके सांस में सांस आई कि भैया अब थोड़ा सा सो लेते, तो यहाँ पे एक भालू पड़ा है और ये लोमड़ी यहाँ पे सो रही है और तनी अलग अलग प्रजाति के जानवर है गाइस, सबका अपना अपना एक स्किल है इनकी अपनी अपनी शिकार करने की, ये इसकी स्किल अलग ये शिकार करने की। ओ शिकारी उड़ रास्ता देगा आगे, चलना किधर है, उड़ जा गाइस। चलो कुछ देर विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में नदी ढूंढेंगे क्योंकि हम भूल गए हैं कि वो नदी किधर है। नदी के आसपास रहेंगे उससे क्या रहेगा कि मतलब मजा भी आएगा और पानी खत्म हो गया, हमारे पास पानी बिल्कुल भी नहीं है देखो, तो पीने के लिए पानी नहीं है, तो नदी के आसपास हम जाएंगे वहां से पानी इकट्ठा करेंगे। कुछ देर मैं भी सो जाता हूं, रात को हिम्मत नहीं करी थी एक जगह पे रुकने की, फिर नदी ढूंढते हैं। चवन कम ऑन बेबी कम ऑन, चवन पेड़ पे चढ़ और आगे रास्ता देख, अपने को नदी की तरफ चलना है, जिधर नदी थी ना वापस उधर ही चलना है। चवन किधर है? अरे हाँ दिख रही तो है, दिशा बता, दिशा दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ है। चलो अब चमन दिशा दिखाएगा। अरे आ जाओ जाओ नदी के पास आगे, धीरे 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 धीरे। नदी आ गई है,
और अब राशन पानी भी कुछ बचा नहीं, बस मैगी बची है हमारे पास। तो मैगी बनाओ, बची है तो फिर गाइस थोड़ी सी आग जलाते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर मैगी बनेगी। माचिस देना बाबा, गीली हो गई यार वो तो, मुझे पता था। तो ऐसे टाइम के अंदर जो है अगर चीज़ें माचिस वगैरह गीली हो जाती है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है आग जलाने के लिए। तो मेरे पास एक कमाल की चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ देखो, चाकू दियो चाकू। तो ये जो चीज़ है इससे अपन आग जला सकते हैं और ये बरसात में गीली भी हो जाए तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, भी देंगे। देखा देखा, तो इससे आग जलाने की कोशिश करते हैं। आग जल गई, आग जल गई। छोट छोट हल्का फुल्का कचरा लेकर, हल्का फुल्का कचरा लेकर। फाइनली अभी हमें जो है नदी के पास जाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस यार इधर की साइड देखो क्या बात है, जंगल के बीच के अंदर पानी भरा हुआ है। वो नदी उधर से आ रही है, दो नदियाँ, एक उधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, फिर यहाँ पे आके मिल रही है। मौसम देखो, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बहुत जोरदार वाला। और ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी जो चट्टान है उसकी एक श्रृंखला बनी हुई है। ओए आ जाओ, कम कम कम, भाग के आओ, थक गए हैं सब। थोड़ी सी मैगी खाइए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आ जाओ तो चलते हैं यहाँ से, यहाँ से नीचे उतरते हैं, नदी के आसपास में रास्ता मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। गाइस लुक एट दिस व्यू यार, व्यू देखो गाइस, व्यू है ना शानदार, शानदार है ना। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो यार, इस व्यू के लिए तो वीडियो को लाइक करना बनता है। ये देखो करना है, अपने को उस लोकेशन पे पहुंचना है जहां पे गलती से हमारा जो भाई है वो डूबते डूबते यानी कि मरते मरते बचा था, क्योंकि उस लोकेशन से हमें रास्ता मिल जाएगा और हमें डैम शोरे की नदी उधर ही जाती है। तो देखते हैं, लगभग आज दूसरा दिन होने वाला है, बारिश कभी भी हो सकती है। आ जाओ बागड़ बिल्लो जल्दी। गाइस हमें किसका काटा, जानवर होता है ना जिसके पीछे काटे होते हैं। ओह वाओ, तो गाइस यार ये देखो, ये कमाल की चीज मिली है, देखने में बहुत प्यारी लग रही है। शेर भी इसका शिकार नहीं कर सकता। अच्छा, अरे ये वही है क्या जो शिकार ऐसे खुल जाती है, काटे काटे निकल जाते हैं। गाइस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ हेवड़ी बोला जाता है। अब हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताना। और वो आ गई अपनी फाइनली नदी, लेकिन इसका जो है किनारे का कुछ पता नहीं पड़ रहा है मुझे कि जो किनारा है वो कैसा क्या होगा। ये रही नदी, चलो नीचे से आपको व्यू दिखाते हैं। काटे हैं यहाँ पे और ये देखो गाइज, अब जो है नदी के अंदर जाने के लिए बहुत गहरी और बहुत लंबी है तो तैर तो नहीं पाएंगे। नदी के अंदर जाने के लिए एक सिंपल सी बोट बनाते हैं यहाँ पे। भैया जो भी है नेचुरली चीज़ों से बनानी होगी तो सूखी लकड़ियों का हमने इंतजाम किया है, सूखी लकड़ियों को बहुत सारी को इकट्ठा करेंगे और हमारे पास एक जो रस्सी है उससे बोट बनाएंगे। लाओ लाओ लकड़ियाँ लाओ। गाइस बारिश आ गई है, बहुत तेज बारिश आ सकती है ये। भाई तेज आ गई, रस्सी बांधो फटाफट फटाफट फटाफट। तो गाइस यार यहाँ पे जो है हमारी बोट बन के तैयार हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो है इस खतरनाक पानी के अंदर तैर पाएगी या फिर नहीं तैर पाएगी। तो मैं, ये बॉडीगार्ड और एक ये भानु प्रताप सिंह जी, दादाजी, बोट से जाने की ताकि हमें नदी का और आगे का रास्ता मिल जाए और बाकी लोगों को अपन साइड से बुला लेंगे। पहले ये शूज उतार देते, कभी भी ये गलती ना करें। नदी नालों के अंदर शूज पहन के या चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है। मेन इसके अंदर डर है कि कोई भी कुछ भी हुआ, कोई भी जानवर, तो हम भाग नहीं पाएंगे पानी के अंदर से। तैर गई यार, तैर तो गई लेकिन तुमने लकड़े ऐसे कैसे बांधे, वो तो जा रहे, टूट गए यार। जल्दी ला, उसमें तो कीड़ा है। कौन सा? जल्दी ला वो, ले गया भाई, जेब सेफ्टी के लिए चलते हैं। चले भाई, डर तो नहीं लगा? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, जा टेस्टिंग हो रही, आराम जा, है ना। उस पे आड़ा लेट जाइयो, है ना, लेट जाइयो। Thank you.
कोई ज्यादा बड़ी रिस्क तो नहीं ले लिया आपने? भाई बहुत ज्यादा बड़ी रिस्क ले ली है। तो ऐसा पैरों के अंदर कोई भी चीज आके अड़ती है ना तो ऐसे लगता है भाई खराब हो गया, तो नहीं है, डर लगता है। देखो कीड़ा हुआ भाई यार, कौन हटाओ? अरे हटा यार, कौन हटाओ? ओ प्लीज यार भाई, देख हटाइए यार, मर भाई ने। गाइस दिस इज कॉल्ड रिस्क, अल्टीमेट रिस्क। हमारे ने जो बोट बनाई थी वो फेल हो चुकी है और यहाँ पे देखो हम जो है बड़ी मुश्किल के अंदर फंस गए हैं। ये देखो चारों तरफ देखो एक बार, ये देखो, अरे उधर लेके चल, उधर लेके चल। तो गाइस उल्टा हम बोट को लेके जा रहे हैं, ना कि बोट हमें। दूरी तय कर ली है, आधे घंटे से ज्यादा हो गया हमें तैरते हुए। इस आर्टिफिशियल बोट का सहारा ये है कि हम जो है पकड़ के अपना मतलब थोड़ा सा तैर पा रहे अच्छे से। बाकी ये देखो आसपास का ये देखो माहौल, पीछे देखो गाइस कितनी लंबी नदी हम पार करके आ रहे हैं वो देखो। और बस कुछ ही देर के अंदर हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। भाई साहब ओए पैर चलाते रहो, ताकि कोई जानवर होगा तो हट जाएगा। केस चलाओ पैर, इधर लाओ बीच में पहले बोट को। पता नहीं है ना यार पानी कितना गहरा है, कौन कौन से जानवर है। ओए फाइनली अपन पहुंच गए किनारे पे। गाइस उधर देखो, उधर ये देखो मशक्कत के बाद, ये देखो गाइस फाइनली हम पहुंच गए किनारे की तरफ। पीछे देखो कितना पार करके आए हम, लेकिन अभी पहुंच गए। इस किनारे बैठे आए नहीं अभी तो, वो रास्ते में ही है। हम पानी से आए, जल्दी आ गए। भाई इतनी रिक्स का कितना लाइक मिलेगा अपने को? लाइक बाद में देखेंगे, पहले तो जान बच जाए, सही सलामत बस इससे बाहर निकल जाए। चलो नदी पार कर ले। जहाज को थोड़ा साइड में करो। अरे साइड में पार्किंग लगा, पार्किंग पार्क करो, जहाज पार्क कर दी जाए। पकड़ लीजिए जहाज में, चढ़ भाई चढ़। भैया पहुंच गए होंगे? हाँ पहुंच गए होंगे। नहीं पूछोगे? चलो चलो अपन फटाफट चलो, देखते हैं कहाँ है कहाँ नहीं। चढ़ वो पहुंच गए आगे। ये चलो चलो चलो, बहुत जल्दी आ गए तुम तो। और कोई दिक्कत तो नहीं हुई पानी में? भाई तुम कूदो फिर देखते हैं। अत्रो बुडो नाक दीचे में नहीं यार इसमें। हाँ नहीं नहीं यार पर तो हरी हो हमें ये समझ में नहीं आ रहा गाइस कि ये जो हमारी बोट है ये हमें लेके आई या बोट को हम लेके आए। गाइस यार फाइनली जो है कल 2 से 2 दिन होने वाले हैं हमें, पता नहीं कितना टाइम हो गया। और मेन तो खाने पीने का है, अब देखते हैं, अब इससे आगे तो नहीं हो पाएगा, सब खत्म हो गया। भाई मैं तो आपसे कहूंगा ऐसे किसी उसमें तो ना जाए। लेकिन आज तक की सबसे बड़ी रिस्क थी ये, इस पानी के अंदर इस तरीके से आना, काला पानी है। तो गाइस यार इस चैलेंज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिंदगी का मजा खट्टे में नहीं भाई, ऐसी असली एडवेंचरस वाली लाइफ के अंदर। भाई कूद जा, क्या कल कूदेगा क्या? बाकी आज से कहना चाहूंगा ऐसा कुछ भी, धरती फट जाती है। बाहर आ गया कि नहीं आया? ओए जिंदा है गाइस, जिंदा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी मनवाता कमेंट करना। बाय, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद शक्तिवान।